ये कहानी है मेरी। इस महीने का पहला हफ्ता और ये हफ्ता भी पिछले सभी हफ्तों की तरह ही गया। मेरे साथ इस हफ्ते भी कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। और वैसे जब से मैं ये डायरी लिखने लगा हूँ तब से मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई है थोड़ी सी शायद। और यह हफ्ता भी बाकी सभी हफ्तों की तरह था, नॉर्मल जैसा हर एक हफ्ता होता है। और मुझे लगता है कि अभी मैं वही सब चीज़ें लिखूंगा जो मैं पहले भी इस डायरी में लिख चुका हूँ। इस डायरी में अक्सर चीज़ें रिपीट होती हैं क्योंकि मेरे साथ अक्सर वही सब चीज़ें होती है जो मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। और शायद इसलिए ही मैंने इस डायरी का नाम देजावू रखा है। देजावू, देजावू, देजावू। और जैसा मैं अक्सर करता हूँ जब भी मेरे साथ कुछ स्पेशल नहीं होता तब मैं इस डायरी में भी टाइम ट्रेवल के बारे में लिखता हूँ। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना करूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ही एक कॉपी ऑलमोस्ट भर चुका हूँ वही सब टाइम ट्रेवल के बारे में लिख लिख के। और वही सेम चीज़ मैं इस डायरी के साथ भी करूँ ये मैं नहीं चाहता। ये डायरी मैंने बनाई है ताकि इसमें जो भी मेरे साथ स्पेशल होगा अगर होगा उसे लिखूँ, ना कि टाइम ट्रेवल के बारे में। और हर बार की तरह यह हफ्ता भी अब ख़त्म होता है। इस हफ्ते भी कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला हफ्ता मेरे लिए स्पेशल हो, थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा तो हो। और वरना मुझे लगता है कि अगर अगले हफ्ते भी मेरे साथ कुछ भी स्पेशल नहीं होगा तब मुझे फिर से टाइम ट्रेवल को ही स्पेशल बनाना होगा जैसा मैं अक्सर करता हूँ। और यहाँ पहला हफ्ता अब ख़त्म होता है। कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब चीज़ हो रही थी। और शायद अभी भी हो रही है जब मैं लिख रहा हूँ। इस महीने का दूसरा हफ्ता मैं शायद ये मान चुका था कि मेरे साथ कुछ भी स्पेशल
नहीं हो सकता। लेकिन मैं गलत था, पूरी तरह तो नहीं लेकिन था। शायद मैं ये भूल गया था कि टाइम हमेशा चलता रहता है और भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और मेरे साथ ऐसा कुछ होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं। मुझे नहीं पता कि इसे मैं स्पेशल कहूँ या नहीं। क्योंकि ये सब बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब। मेरे साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही है और इन सब की शुरुआत मेरे कमरे से हुई थी। जैसे हर एक की कोई एक लकी चीज़ होती है, वैसे ही मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं लकी मानता हूँ। और उनमें से एक है मेरी वॉच, मेरी घड़ी, जिसे मैं लकी मानता हूँ। शायद मानता था। और पता नहीं क्यों वो वॉच पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही है। पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद मेरी घड़ी ही खराब हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो घड़ी अभी भी काम कर रही है, लेकिन बहुत अजीब तरह से। और यहाँ तक कि कभी कभी उस घड़ी का अलार्म अपने आप बजने लगता। और उस घड़ी का अलार्म बहुत अजीब है। ऐसा पहले तो नहीं था, लेकिन अब उस घड़ी का अलार्म मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है। मुझे अभी इतना डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक घड़ी ही तो है। और यही बोल के मैं हमेशा खुद को संभालता हूँ। अभी तक सिर्फ मेरी घड़ी ही अजीब बिहेव कर रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद वो सब अजीब चीजें बढ़ने लगी। मुझे कभी कभी कुछ आवाजें सुनाई देती, कभी दरवाजे की खटखट और कभी किसी के चलने की आवाज। शुरू में मुझे लगा कि हो सकता है ये सब मेरा कोई वहम है, ये सब चीजें असली में नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है।
वो आवाज़ें मुझे तब भी सुनाई देती जब मैं अपने पूरे घर में अकेला होता, जब पूरे घर में मेरे सिवाय और कोई नहीं होता। मुझे ये आवाज़ें तब भी सुनाई देती, और मैं ये आवाज़ें नहीं कर रहा हूँ, ये सब कोई और ही कर रहा है। अब धीरे धीरे मैं और अजीब चीजों को महसूस करने लगा। मैं मुझे हर वक्त ऐसा लगता कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है और मुझे सुन रहा है। और शायद अभी भी मैं उन आवाजों को जितना नजरअंदाज करता, वो आवाजें उतनी ही बढ़ती जाती। सिर्फ मेरे कमरे में ही नहीं, मैं अपने पूरे घर में कहीं भी जाता, वो आवाजें मुझे सुनाई देती। हर वक्त हर जगह मैं उन आवाजों को सुन सकता हूँ। वो आवाजें खुद ब खुद नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। कोई तो है जो ये सब आवाजें कर रहा है, लेकिन कौन है वो? आखिर कौन? मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो जो कोई भी है, वो हमेशा मुझे फॉलो करता है। जब भी वो आवाजें करता, मुझे ऐसा लगता कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन क्या, मुझसे वो क्या कहना चाहता है? पता नहीं। और यही सब अजीब चीज़ें मेरे साथ कुछ दिनों तक चली, और अब तो मुझे इन सब की आदत सी लग गई है। अब मुझे उन सब चीज़ों से थोड़ा कम डर लगता, या शायद नहीं, लेकिन शायद मुझे इन सब चीज़ों की आदत लगी जाएगी, और वक्त के साथ साथ मेरा डर भी कम हो जाएगा, शायद। और शायद यहाँ यह हफ्ता खत्म होता है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और ये मुझे पता है, लेकिन ये 7 दिन बहुत बहुत अलग थे। ये 7 दिन शायद से मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 7 दिन थे। मैं शायद ही कभी भुला पाऊं।
इस महीने का तीसरा हफ्ता, कुछ दिनों तक वही सेम आवाज़ें और वो सब अजीब चीज़ें मेरे साथ हुई। और सच बताऊँ तो मुझे अब इन सब की आदत भी लग चुकी है, तो अब मुझे इन सब से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता। फिर धीरे धीरे वो सब अजीब चीज़ें बढ़ने लगी, बहुत बढ़ने लगी, और मेरा डर भी। अब कभी कभी मेरी कुछ चीज़ें अपने आप ही गिर जाती, जैसे मेरा रूबिक्स क्यूब। जो कि गिरने के बाद पूरा का पूरा टूट गया था। मैंने उसे जोड़ने की कोशिश की, और मैंने उसे ठीक कर भी लिया था, लेकिन मुझे अभी तक उसका एक पीस नहीं मिला। वो एक छोटा सा पीस था जो कि मैंने अपने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन मेरे को वो कहीं नहीं मिला। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा क्यूब का गिरना, वो भी अपने आप, क्या ये सब भी उन्हीं अजीब चीज़ों का हिस्सा है? पता नहीं, उस क्यूब का वो पीस आज भी मिसिंग है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर तो तब लगता जब कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि वो जो ये सब कर रहा है, वो ठीक मेरे सामने ही खड़ा है और मुझे देख रहा है। उस समय सच में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी हिम्मत से उसकी तरफ देखता। मुझे कोई दिखता तो नहीं, लेकिन उस समय मैं उसे महसूस ज़रूर कर सकता हूँ। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण मुझे अब अपने कमरे में जाने से भी डर लगता। क्योंकि इन सभी चीज़ों की शुरुआत वहीं हुई थी, मेरे कमरे में। और अक्सर ये ज़्यादा भी वहीं होती है
मेरे कमरे में, और इसीलिए मैं 2 या 3 दिनों तक अपने कमरे में भी नहीं गया। मैं कोशिश करता कि मैं अपने कमरे से दूर रहूं, और फिर एक दिन मैं बाहर अपनी बालकनी में था कि तभी मुझे मेरे कमरे से वही सेम आवाज़ें सुनाई दी। लेकिन इस बार वो आवाज़ें बहुत तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस समय वो मुझे अपनी तरफ बुलाना चाह रहा है। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी हिम्मत से खुद को संभाला और डिसाइड किया कि मैं अपने कमरे में जाऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं अपने कमरे में जाऊंगा। सो आई डिड, और अब मैं अपने कमरे के अंदर आया। मुझे मेरे कमरे में कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ कोई तो ज़रूर था, और शायद यहाँ वो ही था। मैंने अपने कमरे में आके कुछ चीज़ों को नोटिस किया। सबसे पहले मेरा जो मॉनिटर है उस पे एक पेज रखा था, और उस पेज पे सिवाय एक चीज़ के और कुछ नहीं लिखा था, और वो चीज़ थी घोस्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। और दूसरी चीज़ जिसे मैंने नोटिस किया वो थी मेरी वही कॉपी जिसमें मैं टाइम ट्रैवल के बारे में लिखा करता था, और उस कॉपी के आखिरी कुछ 2 या 3 पन्नों में कुछ लिखा था, और आखिर में एक चीज़ लिखी थी, और वो थी फाइंड द घोस्ट। अब मैं बहुत ही ज़्यादा उलझ चुका हूँ, क्योंकि एक तरफ मेरे पास एक पेज है जिस पे लिखा है घोस्ट विद अ क्वेश्चन मार्क, और दूसरी तरफ मेरे पास एक कॉपी है जिस पे लिखा है फाइंड द घोस्ट। इन सब का आखिर क्या मतलब है? और अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो जो कोई भी था वो शायद अब यहाँ से जा चुका है, लेकिन कहाँ, और आखिर वो था कौन, और क्या वो सारी अजीब चीज़ों के पीछे वो ही था, और क्या सही में कोई घोस्ट है? पता नहीं, मेरे मन में इस समय काफ़ी सारे सवाल हैं। और इन सभी सवालों के जवाब मुझे नहीं पता, नहीं पता, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज़्यादा उलझ चुका हूं।
इस महीने का आखिरी हफ्ता, और शायद मेरी डायरी का भी। वैसे मैं खुद भूत जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मेरे साथ अब हो रहा है उसे मैं नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे मानना होगा कि कुछ तो है कोई तो है और वो जो कोई भी है उसने जैसा लिखा है फाइंड द घोस्ट, मैं वैसे ही करूंगा। I will find the ghost. और वक्त आ गया है उस गोश्त को ढूंढने का, या फिर गोश्त बनने का।